कुछ लोगों की स्किन बिना मेकअप भी दमकती नजर आती है। इसके पीछे का राज है उनका स्किन रूटीन। जरूरी नहीं कि ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप तमाम महंगी क्रीम्स और मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज करें। बाजार में मिलने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको ग्लो तो देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग ग्लो चाहिए जो हमेशा बना रहे, तो आपको नेचुरल रेमेडीज की तरफ रुख करना चाहिए। हेलो दोस्तों, एनबीटी देख रहे हैं आप और आज आपके साथ शेयर करूंगी ग्लोइंग स्किन पाने का नेचुरल सीक्रेट। ये है दो सुपर सिंपल और सुपर अमेजिंग फेस पैक्स। पहला फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और 2 चम्मच नारियल का दूध। एक बाउल में 3 चम्मच बेसन लें, 1 चुटकी हल्दी डालें। इसके बाद 2 चम्मच ताजा नारियल का दूध मिलाएं। एक थिक पेस्ट बनने तक इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। फेस पैक तैयार है। आप इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ दें और इसके बाद हाथों पर थोड़ा सा पानी लेकर सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए उतार दें। दूसरा फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए 1 हीरा, 1 आलू, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गुलाब जल। सबसे पहले खीरे को छिलके के साथ पीस लें। खीरा त्वचा को ठंडक देने में मदद करता है। अब आलू को भी कद्दूकस कर लें। आलू में पाया जाने वाला कैटेलॉस त्वचा को चमकदार बनाने और दाग धब्बों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। आखिर में 1 चम्मच गुलाब जल डालें। रेडिएंट स्किन के लिए दूसरा फेस पैक तैयार है। इस पैक को तकरीबन 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें। इन फेस पैक्स के साथ ग्लोइंग स्किन पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। सबसे पहला है संतुलित आहार खाएं। दूसरा, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तीसरा, हर रोज कम से कम 20 मिनट के लिए वर्कआउट करें। चौथा, मेकअप प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज ना करें। पांचवा और सबसे जरूरी, सोने से पहले मेकअप को अच्छी तरीके से साफ करें और रात में कोई अच्छी क्रीम लगाकर सोएं। तो रेडिएंट स्किन के लिए अगर ये रेमेडी आपको पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइए, इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नेचुरल स्किन केयर टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें एनबीटी।